Welcome to all of you for today's discussion under the French Revolution class 9 and subsection 5 NCRT, in which we have to discuss about the abolition of slavery. The abolition of slavery means what? हम बात कर रहे हैं दास प्रथा के उन्मूलन. हम बात कर रहे हैं दास प्रथा के उन्मूलन. In fact, we can say that very simply and with humble, I can say that one of the most revolutionary social reform of the Jacobins reason was the abolition of slavery in the French colonies. यह बात स्पष्ट है. इस चीज को आपको मानना होगा कि फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से. घटनाक्रम क्या हुआ, वह निरंकुश हुए, वो अलग सेगमेंट है, लेकिन दास प्रथा के उन्मूलन के लिए जो जैकोबिन गवर्नमेंट ने काम किया, दैट वॉज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रिवोल्यूशनरी डिसीजन टेकन बाई द जैकोबिन गवर्नमेंट. लाइक इट्स वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस that the colonies in the Caribbean colonies the Martinique, Guadeloupe, Saint Domingo, they were the major colonies in the Caribbean area, and they were famous suppliers for tobacco, meal, sugar, coffee, such kind of. In fact, actually the people those are working in that colonies were French also. That was the time, that was the duration that these Europeans by force they sent to that colonies, and they did their job. उनके इच्छा के प्रतिकूल उन्हें भेजा गया था और वहां उत्पादन करते थे, सप्लाई होता था, चूंकि वहां लोगों की कमी थी, मानव श्रम नहीं थे, यहां से भेजा गया. In fact, the shortage of manpower in that Caribbean colonies और उस आप अमेरिकी इलाके में जो क्षेत्र था, वहां पर मैन पावर का कमी था, जिसके कारण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका ये ट्रायंगुलर फॉर्म में उन्होंने इस दास व्यवस्था, दास प्रथा के तहत इस कमी को पूरा किया. दैट थिंग द स्लेव ट्रेड बिगेन्स इन द 17th सेंचुरी. एक्चुअली यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट द स्लेव ट्रेड ये व्यापार था, भेजना, वो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ. अब चर्चा करो, अब एक सेकेंड के लिए हम फ्रेंच रिवोल्यूशन के चर्चा को रोकते. अब आपसे सवाल पूछ, यूएसए के विषय में आपका क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में आपका क्या, जॉर्ज बुश साहब के बारे में आपका क्या? तुम्हें एक जानकारी नहीं होगी, मूलतः ये लोग बाहरी थे जो वहीं रह गए, वरना जो लोकल पीपल है ना, जो रियल में मूलवासी हैं अमेरिका के, वो काले ही हैं. लेकिन विडंबना देखो कि उस देश को भी श्वेत और अश्वेत के समस्याओं से जूझना, जिस प्रकार से आज भी अफ्रीका में कौन डुफ्लेसिस, जेपी डुमनी जैसे गोरे प्लेयर हैं, तो वहां के हैं नहीं, वो वहां रह गए, उनके पूर्वज वहां रह गए, पहले गए वहां रह गए, अभी वहीं पे काउंट हो रहे. तो उसी प्रकार से आज भी मेरे व्यक्तिगत तौर पे
आप हमेशा देखिएगा इस चीजों को, देखो कनेक्टिंग जब जोड़ेंगे ना तब तुम लोगों को समझने में आनंद आएगा। क्या कारण है कि समय समय पर देखते होंगे कि अश्वेत अश्वेत के हमले होते हैं, धर्म दो हो एक तरह के लोग हो, उपजाति में लड़ाई कुछ समझ में आती है, यहां कलर में लड़ाई है। इसका मतलब क्या है, आज भी विकसित अमेरिका में मैं मानता हूं कि जो वहां के मूलवासी हैं उनको उनका उतना विकास नहीं हो सका जितना इन लोगों का। वह कारण क्या थे, यह विकसित थे ना, इन्होंने देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, दास प्रथा का एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका बेनिफिट तुमको पता है। ये चीज भी क्रिटिक्स में और जेपीएससी वगैरह जब बीपीएससी वगैरह तैयारी करोगे तो समझोगे। अब जैसे यहां से हमको ठूस फूस के तो भेज दिया, ठीक है, गए वहां, गए काम करने लगे करने लगे करने लगे, सारे लोग मजदूर जैसे थे। अब उसमें अगर मेरा मेरे पास ब्रेन ज्यादा है देन व्हाट विल हैपन, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे ना, क्या हम कुछ तो होशियार हैं और वहां अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और हम प्रोग्रेस किए और नतीजतन उसी में से लोगों ने काफी विकास किया। अभी उत्पादन होगा भेजेंगे, हम लीडर बन गए, अभी कोई ब्रिटेन का उपनिवेश है तो ब्रिटेन की महारानी देखने आ रही है क्या, 100 रुपए का सामान हुआ, हम 100 रुपए का नहीं 70 रुपए का ही भेजे, 30 रुपए का रख लिए, फिर उसको हम धीरे धीरे करके जब सुदृढ़ हुए तो दूसरे देशों में बेचना शुरू, और उनके पास यह संभव नहीं है कि वो खुद आकर काम करें, डेफिनेटली दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अस। तो विकास उन लोगों का ही ज्यादा हुआ चूंकि वो पहले से ही कुछ तो विकसित थे। इनफैक्ट जब 17वीं शताब्दी में स्लेव ट्रेड शुरू होता है तो फ्रेंच मर्चेंट्स, जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते हैं, फ्रेंच मर्चेंट्स को एक तरह से आप हिंदी में कह सकते हैं फ्रांसीसी सौदागर, जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते हैं वह बोर्डे या नैंटे पोर्ट से अफ्रीका के तट पर जहाज ले जाते थे और वहां से वो स्थानीय दासों को खरीदते, दासों को दाग कर, एक्चुअली दे पुट अ मार्क ओवर देयर स्लेव कि भाई ये हम खरीदे, दासों को दाग कर और हथकड़ी डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई मतलब ठूस के दे केम, जो फ्रांस के फ्रेंच जो मर्चेंटाइज होते थे वो आए अफ्रीका पहुंचे, वहां से खरीदे दासों को, अपना मार्क दिया, जहाज में पूरा ठूस दिया हथकड़ी वथकड़ी लगा के, और 3 माह एट दैट टाइम द शिप took 3 months टू रीच फ्रॉम अफ्रीका टू कैरेबियन, उनको ले जाया जाए, और वहां बागान के जो मालिक है जो उधर से यूरोप से गए, ये त्रिकोणीय इसलिए मैंने कहा, पहले वहां से भेजा गया उन लोगों को काम करने के लिए, उन लोगों को आदमी का कमी हुआ तो मैन पावर सप्लाई के लिए हुआ, मतलब ऊपर वाले आदमी गए यूरोप से, मैन पावर जा रहा है तुम्हारा यहां से, वहां से भी उनको ढकेल के भेजा गया, लेकिन फिर वो अपने लिए जूनियर खोजा कि जूनियर काम करेगा ना, तो ये ट्रायंगुलर रहा अफ्रीका यूरोप एंड अमेरिका, भेज दिया जाता था, और विथ द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक, इस टेक्निक का इंप्लीमेंटेशन का ही नतीजा था कि बाद में चल के जो यूरोपियन डिमांड फॉर सुगर कॉफी और नील था उसको पूरा किया जा सका, और इनफैक्ट दास प्रथा के कारण जो बोर्डे और नैंते जैसे पोर्ट थे वह भी एक तरह से समृद्ध नगर बन गया, मतलब पब्लिक को लाना है वहां बेचना है तुरंत पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा हम लोग वहीं रहेंगे क्योंकि बार बार तो डिमांड एंड सप्लाई तो हमको पोर्ट से ही करना है, तो वो जो पैसे का खेल था ना उसका लाभ मिला कि जो बोर्डे और नैंटे टाइप के जो पोर्ट थे वहां भी एक अच्छा सिविलाइजेशन बसा। इन 18th सेंचुरी फ्रांस में जो था दास प्रथा की निंदा शुरू हो गई, नेशनल असेंबली में लंबी बहस होती है कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए या नहीं, लेकिन लोगों के विरोध के कारण इसको टाल दिया जाता है और अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश जहां जहां फ्रांस का उपनिवेश था में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित,
यह कानून छोटे ही अवधि के लिए, 10 वर्ष के बाद जब मैंने आपको बताया डायरेक्टरी शासित जो फ्रांस था उसकी असफलता जब हुई तो नेपोलियन का जन्म हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से दास प्रथा को चालू कर दिया। बगान मालिक जो थे उनको अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। एंड लास्टली इन 1848 ईस्वी में अंततः दास प्रथा का उन्मूलन। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, मेक डू गूगल, मुझको बताओ कि फ्रांस के उपनिवेश कहाँ कहाँ थे, पुर्तगाल के उपनिवेश कहाँ कहाँ थे, मतलब कहाँ कहाँ उनका शासन था, ब्रिटेन के उपनिवेश कहाँ कहाँ थे। आप प्रमुख जगहों, क्षेत्रों, राज्यों, राष्ट्रों का नाम लिखें और उसको 7654709694 पर व्हाट्सएप करें। क्वेश्चन क्लियर है? 11वें मिनट में, इस वीडियो के 11वें मिनट में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किस यूरोपीय राष्ट्र का उपनिवेश कहाँ कहाँ था। जैसे पुर्तगाल का कहाँ था, भारत में गोवा में, पौंडीचेरी में। फ्रांस का कहाँ था भारत के तुलना में, ब्रिटेन का कहाँ था, तो और कहाँ कहाँ था। अफ्रीका भी मूलतः पूरा पूरी उपनिवेश पर ही था, अधिकांश जगह जो थे वो यूरोपीय देशों के द्वारा बांट लिए गए थे। वहाँ छोटा सा यूरो पूरे दुनिया को अपना उपनिवेश बनाए हुए, उपनिवेश कुछ और नहीं है, वही गुलामी। जैसे भारत गुलाम नहीं था, अंग्रेजों ने उपनिवेश, वो तो हम लोगों को पता था कि भारत गुलाम था, वो तो व्यापार कर रहे थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहे थे, वो तो व्यापार कर रहे थे। दिस वन इज द फैक्ट, व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। एंड नाउ वी विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन ओवर द रिवॉल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ। After 1789, lots of changes takes place in the people of France. लोगों की भागीदारी सरकार में हुई, राजतंत्र से मोनार्ची सिस्टम से गुलामी मिली, प्रेस में स्वतंत्रता मिली, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आजादी मिली, नाटक, संगीत, पार्टीज में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। जो किताबें पहले चंद लोगों के द्वारा पढ़ी जाने वाली वस्तु थी, उससे जुड़ने का और भी लोगों को अवसर मिला, जिसका लाभ सभी सेगमेंट्स के लोगों ने उठाया, ज़्यादातर तृतीय से स्टेट के लोगों ने। इट मीन्स lots of changes takes place and now we are here to discuss about the summary. In 1804 Napoleon Bonaparte फिर से अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है, फिर से वह आस पड़ोस के देशों को जीतने के लिए निकलता है, पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाने और उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में देना सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करता है नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुम याद रखना कि नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन जो है वो अपने आप को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन अपने आप को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, दशमलव डेसिमल बेस्ड जो मेजरमेंट होता है उसके आधार पे एक समान नापतौल की प्रणाली चलाई। Actually, in fact, you can say that in the starting period of the governance of Napoleon,
नेपोलियन को एक अच्छा छवि का लोग माना गया। एक्चुअली लोगों को लग रहा था कि नेपोलियन एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार लेकर आए हैं और उससे देश का भला हो, लेकिन बाद में जल्दी ही उसकी सेना को लोग मान लिए कि दे आर हैविंग द अटैकिंग मूड, वो हमलावर हैं, आक्रामक हैं, एग्रेसिव हैं। एंड इन 1815 में वो सत्तासीन होता है, 1815 में नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई होती है और उसमें हार जाता है, सेवा समाप्त हो जाती है और इसका प्रभाव यूरोप में काफी वर्षों तक देखा जाता है। इनफैक्ट यू कैन से दैट इन यूरोप फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक राइट, फ्रीडम स्वतंत्रता, जन अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट, यह जो प्रिंसिपल, यह जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले फ्रांस में ही देखने के लिए मिलता है। और क्यों यह संभव हो पाता है? फ्रांसीसी क्रांति के वजह से। दास प्रथा का अंत वहां होता है और ऐसा माना जाता है कि भारत में भी टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, दे वेयर कंप्लीटली, वो लोग पूर्णतः जो फ्रांस से उपजे, फ्रांसीसी क्रांति से जो उपजे विचार थे, उनको प्रेरणा लेने वाले व्यक्ति। इनफैक्ट इन इंग्लिश वी कैन से दैट टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर, हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रंट। दैट वॉज द कंप्लीट जर्नी फॉर फ्रेंच रिवोल्यूशन। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली एंड आई होप दैट आई डिस्कस्ड ईच एंड एवरी टॉपिक पॉइंट वाइज टू यू। Now it's your turn to have to make notes with NCERT as well as your reference book. Cover up all the question answer, make all the question answer with NCERT and reference book and complete your task as I am doing. Thank you. Have a great day.